इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। गुजरा हुआ कल कभी जिंदगी में लौट कर नहीं आता, पर कुछ यादों के कुछ लम्हात को याद जरूर किया जा सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने का वक्त किसके पास होता है, पर कहते हैं जिंदगी जीना भी एक हुनर है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता और कभी कभी यादें परछाई बनकर लहराती रहती। आज के दौर में रिश्ते नाते दोस्त सभी मतलबी बनते जा रहे हैं। सोचने का देखने का हर लिहाज से इंसान को बदलते देखा जा रहा है, पर अक्सर आजकल कुछ लोग जिंदगी के दौड़ धूप में कहीं तो बिखरे पड़े हुए थे। देखने में मिल रहा है कि पुराने दोस्त किसी बहाने एक जगह पर जमा हो रहे हैं, खासकर स्कूल का वो दौर जिसे जिंदगी में कभी बुलाया नहीं जा सकता। बचपन के दोस्त यादगार लम्हात जिनका महज जिक्र करने से एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह और बात है कि अक्सर बचपन में बड़े होने की तमन्ना करते रहते हैं, पर जब जिम्मेदारियां, जिंदगी जीने का हुनर इसकी पेच खम में उलझने लगते हैं तो रह रहकर बचपन स्कूल की वो यादें, वो जिंदगी याद आने लगती है। और जब भी कभी इस तरह की खबरों को या स्कूली इजलासों को देखता सुनता हूँ कि स्कूल के पुराने दोस्त एक अरसे के बाद एक जगह पर जमा होकर फिर मिलना या रीयूनियन के इजलास का एहतमाम करते हैं, इतना ज़रूर महसूस होता है कि चलो कुछ लोग हैं जो जिंदगी जीने का हुनर तो सीख रहे हैं, भले कुछ वक्त ही हो या फिर एक ही दिन क्यों ना हो। पर आज की इस दौड़ धूप में पुराने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजार कर एक जगह से निकल कर कैसे मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ शोबों में क्या क्या खदमात अंजाम दे रहे हैं, क्या पता कि हमारे साथ स्कूल में रहने वाला ही कोई अपना किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच गया हो और हमें मालूम भी नहीं। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर किसी परेशानी में कोई मुब्तला भी हो उसकी मदद भी की जा सकती है। खैर जो भी हो, पर बचपन के दोस्तों के साथ कुछ लम्हे भी बिताना जिंदगी के हंसी लम्हात में से एक हो सकता है। एक स्कूल एक क्लास में बैठकर जब 10वीं के बाद अलग अलग जगहों पर जिंदगी की राहों में निकल पड़ते हैं, अपनी किस्मत के साथ दरख्ती शाखों की तरफ फैल जाते हैं, और जब इन शाखों की तरबियत करने वाले असातिज़ा तमाम गुलदस्तों को देखते हैं तो जिनकी हिफाजत इन्हीं के जेर मातहत हुई है, तो असातिज़ाओं के लिए भी खुशी का मकाम होता है। अक्सर इस तरह के इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं क्योंकि कहीं तो इंसान खुशी ढूंढना चाहता है, कुछ देर इत्मीनान हासिल करना चाहता है। हमने तो उन दोस्तों को भी देखा जिनकी उम्र 60 या 70 साल की हो चुकी है, पर दोस्ती इसका मकाम ही कुछ और है। ये बात और है कि अब तमाम रिश्ते ही मतलबी हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। खैर आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका इसलिए भी मैसर हुआ क्योंकि इस्लामिया हाईस्कूल के 1992-93 के 10वीं के बैच के तलबाओं ने इसका एहतमाम किया था। जैसे हमने ऊपर जिक्र किया कि स्कूल से निकलकर कौन किस सिमत में जाता है इसका किसी को इल्म नहीं रहता, लिहाजा इसी इस्लामिया हाईस्कूल से निकलकर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने वो मकाम हासिल किया जहाँ हर कोई नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर माजिद तालीकोटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, भारत की सबसे बड़ा मेडिकल इदारा एम्स में खिदमत अंजाम दे रहा। तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा कामयाब ऑपरेशन इन्होंने किए हैं। बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर इन्हें इजाज़ से नवाजा भी गया। पिछले 13 सालों से मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं। आज 1992-93 बैच के कामयाब स्टूडेंट के तौर पर इनकी गुलपोशी इस्लामिया के हाई स्कूल की जानिब से की गई। इस वक्त दिगर मेहमानों में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान मौजूद रहे, खासतौर रिहान मुजावर, खताल साहब मनियार, डॉक्टर अनवर मुजावर, इकबाल मनियार और तमाम इस्लामिया स्टूडेंट्स का स्टाफ भी मौजूद रहा। हदिया तशखुर जनाब यासिन राहित रासगर ने किया। तमाम इस्लामिया स्कूल के तलबाओं ने मेजबान हॉल में 28 साल बाद रीयूनियन बैच 1992-93 के तमाम तलबाओं तालिबात ने असातिज़ाओं की गुलपोशी फरमाई। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने तमाम 1992-93 बैच की जानिब से गुलपोशी फरमाई। इस वक्त डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने इस्लामिया से मुल्क के बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट तक का सफ़र बयान किया। यकीनन तमाम तलबाओं तालिबात असातिज़ाओं के लिए यह इजलास कामयाब इजलास रहा। हमें हिदायत दी।
سے تمام طلباء کے لیے طالبات کے لیے دعا ہوں. कन्नड़ मराठी तनाजा अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा. कल कन्नड़ तंजीमों के अपराधों ने शिवसेना और एमईएस के दफ्तरों पर हमला किया तो शिवसेना के जिला सदर की कार पर भी हमला कर शिवसेना की तख्ती को काली पोंती और तोड़ दिया गया. मराठी तंजीमों की जानिब से कुछ देर रास्ता रोक कर कल एहतजाज भी किया गया था. आज भी इसका असर रहा. महाराष्ट्र कोल्हापुर में बेलगाम संदती और दिगर जगह से दाखिल होने वाली बसेस पर कन्नड़ तख्तियों पर काली पोती गई और कोल्हापुर बस अड्डे पर हंगामा किया गया जिससे तमाम बसेस को रद्द कर दिया गया. बढ़ते तशद्दुद के मद्देनजर कर्नाटक सरहद तरक्याती मुकमा के जिम्मेदार सोमशेखर ने जल्द दोनों रियासतों के वजीर आलाओं को बैठकर सलाह करने का मशवरा. बेलगाम डेपो से तकरीबन 70 बसेस कोल्हापुर दाखिल होते तो कुल उत्तर कर्नाटक से 170 बसेस महाराष्ट्र में जाते. लिहाजा बड़े पैमाने पर आवाम कर्नाटक महाराष्ट्र में सफर करती रहती. मौजूदा कन्नड़ मराठी तनाजे से मुसाफिरों को काफी दिक्कत हो रही है. बेलगाम सरहद पर होने की वजह से ही दोनों तरफ हजारों लोगों की आमद रसद होती है. आज शनिचर के दिन बसेस को बंद किया गया जिसका खामियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ा. लेकिन उम्मीद है कि कल से फिर बसेस शुरू करने का भरोसा भी दिलाया गया. कोरोना आलमी वबा के मरीजों में इजाफा होने की बात कही जा रही है. एक तरफ हुकूमत वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है तो दूसरी तरफ कोरोना मरीजों के इजाफे की खबर हासिल हो रही है. लिहाजा बढ़ते मरीजों के मद्देनजर फिर पाबंदियां ऐद करने का फैसला लिया जा रहा है. वहीं रियासत की जानिब से यह भी इशारा दिया गया है कि अगर मरीजों में इजाफा कायम रहा तो फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है. शादी ब्याह सालगिरह इजलास को अब नए कानून के तहत पाबंदी आयद करते हुए 200 अफराधों से 50 लोगों तक की इजाजत हॉल में दी गई है. महाराष्ट्र नागपुर में लॉकडाउन का फैसला लिया गया. लिहाजा इसी नहज पर कर्नाटक में भी लॉकडाउन किया जा सकता है ऐसा रियासत की जानिब से कहा गया. हमने इससे पहले भी कहा था कि ईद त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर इस तरह का इशारा क्या पैगाम दे रहा है. बुजुर्गों को वैक्सीनेशन की मुहिम हुकूमत ने जारी की थी पर हासिल इत्तला के मुताबिक कर्नाटक में महज 4% से भी कम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया. जिस तरह का वैक्सीनेशन के लिए आवाम की जानिब से जवाब मिलना था नहीं मिल रहा. क्या इसी के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है. इसी बात
عوام کی جانب سے کہیں جاری وہی سماجوادی پارٹی کے لیڈر نے ویکسینیشن کو ہی خطرہ بتاتے ہوئے آبادی کو روکنے کے لیے ویکسین بنوائیے کہا ڈاکٹر بسوجیت رائے نے بھی اسے سازش کہتے ہوئے ویکسین نہ لگوانے کی صلاح دی اور یہ بتاتے ہوئے ڈھیر ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیے ہیں جو لوگ ویکسینیشن کے خلاف بول رہے ہیں ان پر سرکار کیوں کارروائی نہیں کر رہی ایسا سوال بھی تو کیا جا رہا ہے کیا آگے بچوں کو بھی دینے کی بات حکومت کی جانب سے کہی جائے گی اس سوال پر حکومت نے اسے کچھ لوگ ویکسین کو لے کر غلط فہمی پھیلا رہے کا اور اس پر بھروسہ نہ کرے بلکہ کورونا خطرناک مرض ہے اسے بچنا ہے تو ویکسین ضرور لگوائے ایسا کہا دابر پانسرے گوری لنکیش کلبرگی ان مہان علمی دانشوروں کا قتل ہندوتوادیوں کی جانب سے کیا گیا تھا پچھلے کئی سالوں سے اس معاملے کی تفشیش جاری ہے لاک ڈاؤن کے ایک سال کے بعد ایک بار پھر جس کی عدالتی کاروائی کو شروع کرتے ہوئے بمبئی ہائی کورٹ نے اور کتنے سال اس کیس کو سلجھانے میں لگ سکتے ہیں ایسا بھی مہاراشٹر پولیس کو تنبیہ دیتے ہوئے دابولکر معاملے میں کہا دابولکر قتل معاملے میں کوئی ٹھوس سراغ حاصل نہیں ہوا تو پانسرے قتل معاملے میں مجرم ہی فرار ہے جج شندے اور پتھلے نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گور لنکیش قتل معاملے کا ذکر کرتے ہوئے کرناٹک پولیس نے تمام معاملوں پر کاروائی جاری رکھتے ہوئے مہاراشٹر سے مجرموں کو پکڑ لے گئی مہاراشٹر کے مجرموں کی بھی تفشیش کی گئی پھر مہاراشٹر کی خفیہ ایجنسی کیا کام کر رہی ہے ایسا بھی سوال عدالت نے کہا کرناٹک مہاراشٹر میں ہندوتوادی تنظیموں کے کارکنان سرگرم ہیں اور کئی جرموں کو انجام دینے کی بات پولیس محکمہ کے پاس موجود بھی ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہیے اتحاد نیوز شکریہ اللہ حافظ